अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस के चैनल पर खुशामदीद। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी प्रीमियर खान में पूरे पंजाब के लिए 306 ज़बरदस्त वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हुई है। मेल फीमेल इस पर ऑनलाइन पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आपकी एजुकेशन प्राइमरी से लेकर मास्टर तक की है और आपके पास डिप्लोमा है मुख्तलिफ फील्ड में, तो आपके पास एक ज़बरदस्त मौका है कि आप ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी पर ऑनलाइन अप्लाई करें। पंजाब भर से ऑनलाइन अप्लाई करने के अलावा इसकी फ़ी पेमेंट करने का मुकम्मल आसान तरीका आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो एंड तक वॉच करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप मेरे चैनल जॉब्स इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस भी विजिट कर सकते हैं। इस पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वफाकी सूबाई और प्राइवेट जॉब्स पर वीडियो भी अपलोड की हैं। इन पर अप्लाई करने का मुकम्मल आसान तरीका मैंने डिटेल में बताया हुआ, इन्हें भी आप ज़रूर वॉच करें। देखते हैं आज का जॉब एडवर्टाइजमेंट। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट और न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हुई है। 9 टीचिंग वैकेंसीज हैं। स्टार्टिंग में आपको कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे, लेकिन बाद में ये परमानेंट और रेगुलर कर दी जाएंगी ये पोस्टें। फर्स्ट वैकेंसी देख लें, असिस्टेंट की। इसमें 5 वैकेंसीज हैं। 21 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके सामने, मास्टर डिग्री आपने की हो या BS सेकंड डिवीजन किसी भी डिसिप्लिन में। 5 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। अकाउंट 16 स्केल है। 21 से 35 साल आपकी एज। टोटल 2 वैकेंसीज हैं। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आप खुद स्टडी कर सकते हैं। असिस्टेंट ऑडिटर की 2 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर की 3 वैकेंसीज हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर की 2 वैकेंसीज हैं। अपनी एज देखते जाएँ और एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन देख लें। सीनियर सब इंजीनियर सिविल की 1 वैकेंसी है। सीनियर सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 1 वैकेंसी है। सीनियर प्रूफ रीडर की 3 वैकेंसीज, पर्सनल असिस्टेंट की 2 वैकेंसीज, नर्स की 2, डिप्टी स्टेट ऑफिसर की 2, टीचिंग असिस्टेंट की 14 वैकेंसीज हैं। रिसर्च असिस्टेंट की 10 वैकेंसीज हैं। मीडिया कोऑर्डिनेटर की 1 वैकेंसी, अकाउंटेंट की 3, हार्डवेयर टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी, कंप्यूटर ऑपरेटर की 15 वैकेंसीज हैं। स्पोर्ट्स सुपरवाइजर की 2 वैकेंसीज, इंजीनियरिंग लैब असिस्टेंट की 5, लाइब्रेरी असिस्टेंट की 3, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की 3, ग्राफिक डिज़ाइनर की 2, सुपरवाइज़र हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग की 1 वैकेंसी, सुपरवाइज़र कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस की 1 वैकेंसी, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की 3 वैकेंसीज, केयर टेकर की 3 वैकेंसीज, हॉस्टल वार्डन की 4 वैकेंसीज, सीनियर स्टोर कीपर की 1 वैकेंसी, असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर की 2 वैकेंसीज, सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 1 वैकेंसी, सब इंजीनियर सिविल की 1 वैकेंसी, ड्राफ्ट्समैन की 1 वैकेंसी, पावर प्लांट सुपरवाइज़र की 2 वैकेंसीज, लेबॉरेटरी सुपरवाइज़र की 2, इलेक्ट्रिशियन की 2, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की 13 वैकेंसीज, इमाम की 1 वैकेंसी, कंप्यूटर टेक्नीशियन की 2 वैकेंसीज, CCTV टेक्नीशियन की 2, जूनियर क्लर्क की 15 वैकेंसीज, स्टोर कीपर की 3, लाइब्रेरी क्लर्क की 2, जूनियर ऑडिटर की 1, लैब टेक्नीशियन की 4, AC एंड रेफ्रिजरेटर मैकेनिक की 3, कैमरामैन की 1, डिस्पेंसर की 2, ड्रेस फीमेल की 1, वेल्डर की 1, जूनियर स्टोर कीपर की 7 वैकेंसीज हैं, मशीन ऑपरेटर की 15, कुक की 2, लाइब्रेरी अटेंडेंट की 1 वैकेंसी है, जनरेटर ऑपरेटर की 2, मेड की 3, बुक बाइंडर 1, सिक्योरिटी गार्ड मेल की 15 वैकेंसीज हैं, सिक्योरिटी गार्ड फीमेल की 1 वैकेंसी है, फोटोकॉपियर ऑपरेटर की 10 वैकेंसीज, जूनियर मशीन मैन की 5 वैकेंसीज, कारपेंटर की 2, ड्राइवर बस और LTV की 10 वैकेंसीज हैं और LTV की 3 वैकेंसीज हैं, डिस्पैच राइडर की 10, प्लम्बर की 2, हेड माली की 2, ग्राउंड मैन की 2, गेस्ट हाउस अटेंडेंट की 1, नैब कासिर की 10 वैकेंसीज हैं, जूनियर लैब अटेंडेंट की 5, स्वीपर की 10, हेल्पर इलेक्ट्रिशियन की 1 वैकेंसी है, हेल्पर प्लम्बर की 1, हेल्पर मेसन की 1, हेल्पर कुक की 1 वैकेंसी है, हेल्पर कारपेंटर की 1 वैकेंसी है, बस क्लीनर या कंडक्टर की 10 वैकेंसीज हैं, माली की 10 वैकेंसीज हैं। फर्दर कोई अगर एज एक्सटेंशन होगी तो आपको गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक मजीद भी इसके अंदर आपको 5 साल की मिल सकेगी। जी आपने अप्लाई कैसे करना है? कैंडिडेट जो पंजाब के डोमिसाइल होल्डर हैं सिर्फ वो इसी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है इस लिंक के थ्रू eportal.kfuei.edu.pk। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करके वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वहाँ पे एक चलान फॉर्म जनरेट होगा, जिसको आपने मुतालका बैंक में जमा करा कर वहीं पे से अपलोड भी करना है। आपने सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, हार्ड फॉर्म में अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो लास्ट डेट यानी कि क्लोजिंग डेट के ख़त्म होने से पहले पहले आप उस पर अपनी करेक्शन भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करें। सिर्फ शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप स्केल 10 से 16 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी 1500 फीस है। अगर आप 5 से 9 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी 1000 फीस है। अगर आप 1 से 4 स्केल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी 500 रुपये फीस है। 15 दिन के अंदर आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। फर्दर रिलैक्सेशन की यहाँ पर बात कर रहा है कि वो आपको गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक दी जाएगी। बाकी टर्म एंड कंडीशन आप खुद भी स्टडी कर लें। यह आपका ग्रेडिंग और परसेंटेज क्राइटेरिया आपको बता रही यूनिवर्सिटी। आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूँ। आपने अप्लाई कैसे करना है? आपने गूगल में सर्च करना है KFUEIT कैरियर्स। ये पहली वेबसाइट आपके सामने आएगी, इसे आपने ओपन कर लेना है। ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट
1 से 16 स्केल के लिए। इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की ऑनलाइन 11 अगस्त 2023 है। डाउनलोड पे क्लिक करके आप इसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्ट वहाँ से भी जाके इसे डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद आप नीचे करें KFUAT ई पोर्टल, आपने इस पर क्लिक करना है तो ऐसा ई पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। इस पर आपने ऑनलाइन पे करना है। अगर तो आप ऑलरेडी इस पर रजिस्टर हैं तो जस्ट अपना CNSE और पासवर्ड देकर एंटर कर लें, अदरवाइज रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करें। ऐसा वहाँ आपके सामने आ जाएगा अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, अपना ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, अपना CNSE या बेफाम नंबर, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड आप देकर रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ हो जाएगी। दोबारा आपने बैक करके इस फॉर्म पर आना, लॉगिन के बटन पर अपना CNSE और पासवर्ड एंटर करके आपने साइन इन हो जाना, कैरियर्स पर आपने क्लिक करना, आई कन्फर्म पर क्लिक करके कंटिन्यू पर जाना। ऐसा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, ये बहुत सारे टैब आपके सामने आ जाएंगे, तमाम टैब को आपने करेक्ट और सही फिल करना है, अदरवाइज़ आप एंड पे जो अप्लाई के बटन में जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आपको शो नहीं होगा। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करें, अपना डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल, अपना फादर का नेम, अपना जेंडर, मेरिटल स्टेटस, रिलीजन बताएं, अगर आप डिसेबल हैं तो यस करें अदरवाइज़ नो रहने दें, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कोर्सेज रजिस्टर हैं तो यस करें अदरवाइज़ नो कर दें, एनी डिसिप्लिनरी एक्शन इसको भी नो कर दें जी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अपना पोस्टल एड्रेस कंप्लीट यहाँ पे लिखें, अपना सिटी, परमिट एड्रेस अपना बताएं, अपना सिटी यहाँ पे लिखें, यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आपने देना है। अगर तो आपके पास टेलीफोन नंबर नहीं है तो आप सेव मोबाइल नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद सेव नेक्स्ट के बटन पर आपने क्लिक करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। अगर तो आप लोअर या छोटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके एजुकेशन मिडिल या प्राइमरी है तो आपने इस पर क्लिक करना है, अदर कोर्सेज क्वालिफिकेशन मिडिल पर, स्पेशलाइजेशन में आपने प्राइमरी लिख लेना है या मिडिल लिख लेना है, बोर्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में आपने अदर यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अदर के बाद नीचे आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे, कब से कब तक साल अपना लिख देंगे, यहाँ पे ऐड मोर पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अगर तो आप बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मैट्रिक से स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर, कोई डिप्लोमा है तो वो भी यहाँ से आप इंटर कर सकते हैं। इसके बाद सेव नेक्स्ट के बटन पर आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट टैब एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन का आ जाएगा। अगर आप ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं तो अपना ऑर्गेनाइजेशन का नेम, अपना डेजिग्नेशन, सैलरी ड्रॉन फ्रॉम टू और रीजन बता दें, अगर आप लीव कर चुके हैं अदरवाइज को नील कर दें या इस कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। एड मोर पर क्लिक करेंगे तो आपकी फील्ड यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अगर आप फ्रेश अप्लाई करें तो इसको खाली छोड़ दें, पब्लिकेशन आप खाली छोड़ दें, बुक्स भी खाली छोड़ दें, पेटेंट्स को भी खाली छोड़ दें। इसके बाद आपने अपलोड्स पे आना है। अपलोड पर आपने डिटेल अपनी एक CV अपलोड करनी है। कोशिश करें यहाँ पर आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो PDF फॉर्मेट में हो। इसके बाद CNSE का फ्रंट आपने यहाँ पर अपलोड करना है, CNSE का बैक, अपना डोमिसाइल, पासपोर्ट साइज पिक्चर, कोई अदर HSC की क्वालिफिकेशन कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ को खाली छोड़ दें। उसके बाद मैट्रिक की आप सर्टिफिकेट या डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट जो भी हो वो यहाँ पे अपलोड कर दें, दोनों में से कोई एक, इंटर, बैचलर, मास्टर, वो यहाँ पे ऐड कर दें PDF फॉर्मेट में। ये करने के बाद आपने रेफरेंस पे आना है। रेफरेंस में कोई भी दो ऑफिसर्स के आपने यहाँ पे रेफरेंस ऐड करने हैं, वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप अपने रेफरेंस का नेम उनका लिख सकते हैं, डेजिग्नेशन, उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनसे आपका रिलेशनशिप क्या है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल। यहाँ से आप ऐड मोर पे क्लिक करेंगे तो ये दो फील्ड जैसे वन बाई वन आपने सेपरेट ऐड करनी है। इसके बाद अप्लाई के बटन पे आपने क्लिक करना। अप्लाई के बाद ये पोस्टें आप देख सकते हैं जिनके अनाउंसमेंट नीचे हुई है, जिस पोस्ट के अगेंस्ट आपने अप्लाई करना है आपने अप्लाई के बटन पर क्लिक करना, डिपार्टमेंट एडमिन सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपने सिलेक्शन करनी ओपन मेरिट। इसके अलावा अगर आप वुमेन कोटे से अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं, अगर मल्टी से अप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी आप टिक कर सकते हैं, अगर तो आप एम्प्लॉयज वर्किंग इन BPS 1 to 5 चिल्ड्रन अप्लाई कर रहे हैं तो इस पर भी टिक कर सकते हैं। जैसे आई एक्सेप्ट पर क्लिक करके आप सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जिस पोस्ट के अगेंस्ट आपने अप्लाई किया होगा वो यहाँ पे आपको शोर ही होगी। यहाँ से आपने चलान अपना डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड चलान, जैसे आप चलान डाउनलोड कर लेंगे तो ऐसा चलान आपके सामने आ जाएगा। चलान आपके सामने आ जाएगा, ये कैंडिडेट की कॉपी है, ये बैंक की कॉपी है, इसे आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसे मुतालका सिर्फ HUL बैंक में इसे आपने जमा कराना है। डिपॉजिट कॉपी जो बैंक की होगी वो बैंक अपने पास रख लेगा, कैंडिडेट की कॉपी जो आपके पास होगी वो बैंक आपको दे देगा। इस कैंडिडेट की कॉपी को आपने अपलोड चलान पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड करना है। आपने यहाँ पे चलान आप अपलोड करेंगे, जिस डेट को आपने चलान जमा कराया था वो यहाँ पर डेट आपने सेट करनी है। अपलोड के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका चलान अपलोड हो जाएगा। इसके बाद जो चलान का स्टेटस होगा वो कुछ अर्से बाद आपका यहाँ पर स्टेटस कम्प्लीट आ जाएगा, प्रोफाइल जो होगी वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। आपने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना। अच्छा जी, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई अच्छी सुबाई या वफाकी गवर्नमेंट की जॉब अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको बरोक मिल सके। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में या चलान फॉर्म फिल करने में या उसे जमा कराने में कोई इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।